नमस्ते जे एडवांस प्रॉब्लम सीरीज कंटिन्यू करते हैं एंड uh, जो लोग इस सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये फोर्टी सेवन क्वेश्चन जो है नाइनटीन नाइन्टी एट का इसको सॉल्व किया था अब आगे बढ़ते हैं एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ठीक है तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल सल्यूशन्स ऑफ द इक्वेशन दिस तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन दिया गया है टू टू दावर वाई टू टू पावर मॉड वाई माइनस मॉड ऑफ टू टू दावर वाई माइनस वन माइनस वन ठीक है फिर ये मॉड हो गया दिस इज इक्वल टू 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 द पावर वाई माइनस वन प्लस वन है ना तो सेट ऑफ ऑल दी दल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इसका मतलब क्या है कि y का वो हर वैल्यू जो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो वो सारे सल्यूशन्स जो है वो हम लोग को लिखना है तो वो कैसे करेंगे तो जब भी हमारे पास इस टाइप का मॉड दिखता है है ना मॉड दिख रहा है तो हमें हमेशा क्या सोचना चाहिए कि मॉड के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है है ना वो किस पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर जो है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहा है या फिर नेचर चेंज कर रहा है मतलब कि वो पॉजिटिव कहाँ पर हो रहा है नेगेटिव कहाँ पर हो रहा है ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है है ना तो वो सारे जो है हमारे ब्रेक पॉइंट्स हो गए या फिर वो क्रिटिक क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हो जहाँ पर कि हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा है ना कि उसके लेफ्ट में क्या हो रहा है उसके राइट में क्या हो रहा है एंड सो ऑन ठीक है तो सबसे पहला तो हम लोग को जो मॉड दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है ना मॉड वाई दिख रहा है तो इसके लिए तो हम लोग सीधा सीधी क्या सोच सकते हैं कि मॉड वाई क्या होगा अगर मेरा वाई ग्रेटर देन ज़ीरो है है ना तब फिर हम लोग उसको वाई बोल सकते हैं ठीक है और अगर ये लेस देन ज़ीरो है तब फिर हम लोग इसको माइनस वाई बोल सकते हैं है ना वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और फिर y इज़ लेस देन ज़ीरो ठीक है इक्वल टू ज़ीरो के लिए चाहे आप y बोलो चाहे माइनस वाई बोलो बात सेम ही है ना क्योंकि इक्वल टू जीरो के लिए वो जीरो ही बाहर निकलेगा तो इक्वलिटी का साइन या तो यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर है ना जहाँ पर भी मन है वहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं ठीक है तो मान लो कि मैंने यहाँ पर इक्वलिटी का लगा दिया या फिर y इक्वल टू ज़ीरो का अलग एक केस लिख के भी जीरो यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो ये एक मेरा हो गया मॉड y के लिए अब दूसरा जो मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ पर टू टू दावर वाई माइनस वन माइनस वन ठीक है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा डिपेंडिंग ऑन की ये वाला जो भी क्वांटिटी है टू टू दावर वाई माइनस वन वो मेरा वन से बड़ा है या फिर वन के इक्वल है या फिर वन से छोटा है है ना तो उस टाइप से अगर मैं सोचूंगा कि ये टू टू द पावर वाई माइनस वन जो है ये वन के इक्वल कब होगा तो अगर मैं वाई का वैल्यू वन सोचता हूँ है ना तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो टू 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 पावर जीरो वन मतलब वाई इक्वल टू वन के लिए जो है ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाएगा मतलब कि जीरो हो जाएगा है ना और अगर वाई वन से बड़ा होता है ठीक है मान लो कि मैं कुछ भी वाई का वैल्यू ले थ्री लेता हूँ तो थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टू तो टू स्क्वायर फोर तो ये बड़ा हो जाएगा तो ये अगर y वन से बड़ा है तो फिर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा और अगर y वन से छोटा है लेट्स से ज़ीरो तो फिर टू टू द पावर माइनस वन तो वन बाई टू वो वन से छोटा हो जाएगा इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा ठीक है तो ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टू टू दावर वाई माइनस वन माइनस वन है ना मॉड तो ये क्या होगा इसका अगर ये वाई जो है वन से बड़ा है मान लो है ना अगर ये वन से बड़ा है ठीक है तब फिर अंदर में मेरे को क्या मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा तो मैं क्या करूँगा टू टू दावर वाई माइनस वन माइनस वन है ना जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सेम एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा ठीक है अगर मेरा वाई uh, जो है वो वन से छोटा है तो फिर ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा तो बाहर क्या आएगा माइनस ऑफ दिस टू टू दावर वाई माइनस वन माइनस वन है ना एंड अगेन इक्वलिटी का साइन यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो ये मेरा ब्रेकडाउन हो गया ना तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए जीरो हो गए या फिर ये वन हो गए ठीक है तो हम लोग अलग अलग केस ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो हम लोग लेते हैं मान लो कि मैं ये ले रहा हूँ केस वन ठीक है कि वाई जो है वो मेरा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो है ठीक है अब इसके अंदर मेरे को क्या लेना पड़ेगा फिर से दो सब केसेस लेना पड़ेगा है ना कि वाई जो है वन से छोटा है या फिर वन से बड़ा है है ना तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो ज़ीरो ठीक है और फिर इसमें जो है हम लोग एक केस वन पॉइंट वन कह सकते हैं है ना जिसमें कि वाई जो है वो ज़ीरो से ये बड़ा है मतलब इसी का सब केस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं तो जीरो से ये बड़ा है और फिर वन से ये छोटा है ठीक है और फिर इसी का दूसरा जो हम लोग का ये सब केस रहेगा केस 1.2 पॉइंट कि वाई जो है वो मेरा वन से बड़ा है ठीक है या फिर इक्वल है है ना तो इस हिसाब से जो है हम लोग इस चीज़ को जो है हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ठीक है तो 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 हम लोग मान लो कि पहला ये वाला लेते हैं ठीक है ये केस कि y जो है ज़ीरो से लेके वन के बीच में लाइक कर रहा है ठीक है तो फिर ये एक्सप्रेशन हम लोग का क्या होगा टू टू दी पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ज़ीरो से बड़ा है है ना तो y ही आएगा यहाँ पर तो टू टू दी पावर y माइनस ठीक है फिर ये वन से ये चीज़ छोटा है है ना वन से छोटा है तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा मतलब ये नेगेटिव होके बाहर निकलेगा ठीक है तो अगर नेगेटिव होकर बाहर निकलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और फिर टू टू पावर वाई माइनस वन माइनस वन है ना एंड दिस इज इक्वल टू 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 द पावर वाई माइनस वन प्लस वन ठीक है तो यहाँ पर हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं तो टू टू पावर वाई इज इक्वल टू वन प्लस वन टू है ना तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ रहा है वन आ रहा है ठीक है लेकिन ये वाले केस में जो है हम लोगों ने यहाँ पर y को इक्वल टू वन नहीं बोला है है ना कि ज़ीरो से ग्रेटर या इक्वल या फिर उससे लेस है ना तो ये वाला वैल्यू को जो है हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं यहाँ से है ना ये वाला जो केस हम लोगों ने लिखा है हम लोग इक्वल टू को यहाँ पर भी ले सकते थे और उससे हम लोग इसको वैल्यू ले सकते थे लेकिन जो अभी हम लोगों ने लिखा है उसके हिसाब से यहाँ से जो है नो no सल्यूशन है ना तो केस वन पॉइंट वन का अगर सल्यूशन लिखना है है ना कि इसका जो सोल्यूशन आया तो वो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एम सेट है है ना कोई भी ऐसा नहीं आया जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन को अब केस वन के लिए देखते हैं कि वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा फिर से कि आ, ये तो ग्रेटर देन जीरो है है ना तो यहाँ पर टूटल पावर वाई आएगा फिर ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू वन है ठीक है तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से ये पॉजिटिव है क्वांटिटी, है ना तो ये पॉजिटिव निकलेगा तो इसका मतलब माइनस टाइम्स दिस ठीक है तो माइनस ऑफ टू टू दावर वाई माइनस वन और फिर माइनस माइनस ये प्लस वन ठीक है ये निकलेगा दिस इज़ इक्वल टू 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 दावर वाई माइनस वन और फिर यहाँ पर प्लस वन ठीक है तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का और फिर टू टू दावर वाई इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा मान लो तो टू टाइम्स दिस है ना तो टाइम्स दिस तो इसका मतलब क्या होगा टू टू दावर वाई माइनस वन प्लस आपको समझ में आ रहा होगा कि टू टू दावर वाई माइनस वन प्लस टू टू दावर वाई माइनस वन इज टू टाइम्स टू टू दावर वाई माइनस वन मतलब कि टू टू दावर वाई माइनस वन प्लस वन ठीक है तो ये और ये कैंसिल तो इसका मतलब टू टू दी पावर वाई इज़ इक्वल टू 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 द पावर वाई है ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये y के हर वैल्यू के लिए जो है ये सेटिस्फाई करेगा है ना मतलब कि ये केस में जितने भी y के वैल्यूज़ हैं हर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला जो केस है इससे हम लोगों को क्या सल्यूशन मिल गया कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ठीक है ये पूरा का पूरा सल्यूशन मेरे को मिल गया ये केस से ठीक है ये केस वन पॉइंट टू से है ना और स्टार्टिंग में ये केस में क्या था इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये सारे जो भी सोल्यूशन आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये जो है ये मेरा सोल्यूशन है यहां से आए है केस वन से ठीक है अब नेक्स्ट हम लोगों का और कौन सा केस बचा जिसमें कि लेस देन जीरो है ना तो तो, 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 तो केस टू ठीक है तो केस टू में हम लोग लेंगे वाई इज़ लेस देन ज़ीरो ठीक है तो इस केस में ऑब्वियसली सब केसेस बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है है ना क्योंकि लेस देन जीरो है तो ऑब्वियसली वो वन से तो लेस ही होगा तो यहाँ पर कोई सब केस बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है तो अगर वाई लेस देन ज़ीरो है तब फिर क्या हो जाएगा टू टू दावर माइनस वाई है ना और फिर अगर वाई लेस देन जीरो है तो ये चीज़ ऑब्वियसली नेगेटिव होगा ये वाला चीज़ तो ये फॉर्म बाहर निकलेगा तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस दिस तो प्लस टू टू द पावर वाई माइनस वन माइनस वन है ना दिस इज इक्वल टू 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 द पावर वाई माइनस वन और फिर यहाँ पर प्लस तो ये और ये कैंसिल तो टू टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वन प्लस वन टू तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू वन तो इसका मतलब वाई इज़ इक्वल टू माइनस वन है ना और ये जो है मेरा लेस देन ज़ीरो है तो इसको जो है हम लोग सल्यूशन बोल सकते हैं ठीक है तो ये जो हमारा इधर का जितना भी केस था है ना तो यहाँ से फाइनल सोल्यूशन क्या आया ग्रेटर देन इक्वल टू वन और यहाँ से सोल्यूशन क्या आया माइनस वन ठीक है तो फाइनल जो भी मैं सोल्यूशन लिखूँगा वो क्या होगा यूनियन होगा ये दोनों केसेस का ठीक है तो फाइनल जो भी मैं सोल्यूशन लिखूँगा ठीक है तो वो क्या होगा वाई बिलोंग्स टू एक तो ये इक्वल टू वन या फिर वन से बड़ा है ना वन से लेके इन्फिनिटी देन यूनियन और एक ये पर्टिकुलर वैल्यू ठीक है तो ये स, जो है ये मेरा फाइनल सल्यूशन हो गया ठीक है तो आई होप कि मैंने कहीं कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ नहीं किया है और अगर कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ नहीं किया तो आंसर यही होना चाहिए ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से हम लोगों ने अप्रोच किया ठीक है कि अलग अलग केसेस में इसको ब्रेक करो फिर केस के अंदर भी डिफरेंट सब केसेस है ना क्योंकि यहाँ पर जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट था तो उसके लिए दो केसेस बन गया केस वन केस केस टू लेकिन जब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वहाँ पर दो सब केस बन सकता है है ना एक में जो है वन से वो छोटा रहेगा और एक में वन से वो बड़ा रहेगा ठीक है तो वहाँ से जो है हम लोगों के पास सोल्यूशन आया ये वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो ये पहला केस का ये सोल्यूशन है ठीक है तो विद इन केस जो है हमेशा इंटरसेक्शन लेना चाहिए एंड बिटवीन केसेस जो है वो यूनियन लेना चाहिए है ना तो यहां ये केस वन से सोल्यूशन क्या आया था वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन और फिर केस टू से ये सोल्यूशन आया था वाई इज इक्वल टू माइनस वन तो दोनों का यूनियन तो ये सारा वैल्यू जो है ये सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो यहाँ पर डाल के भी देख सकते हैं कि अगर मैं माइनस वन डालूंगा ये इक्वेशन में है ना अगर डालना है तो माइनस वन डालेंगे तो क्या आ जाएगा कि टू टू पावर मॉड ऑफ माइनस वन तो वो वन ही निकलेगा है ना माइनस फिर टू टू पावर माइनस वन माइनस वन तो मॉड ऑफ टू टू दी माइनस टू है ना मतलब कि वन बाई फोर माइनस वन ठीक है और फिर यहाँ से क्या आएगा टू टू दावर फिर से वन बाई फोर यहाँ पर प्लस वन ठीक है और फिर वन बाई फोर माइनस वन मतलब कि माइनस थ्री बाई फोर और टू माइनस है ना तो फिर मॉड ऑफ माइनस थ्री बाई फोर तो वो थ्री बाई फोर ही निकलेगा और फिर फोर प्लस वन फाइव बाई फोर और फिर इधर भी एट माइनस थ्री फाइव बाई फोर है ना फाइव बाई फोर इक्वल टू फाइव बाई फोर तो माइनस वन के लिए ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है इसी तरीके से वन भी डाल के देख सकते हो ना कि अगर मैं वन डालूंगा यहाँ पर तो क्या आएगा टू टू दावर वन है ना तो टू ही रहेगा माइनस फिर ये वन हो जाएगा तो ये चीज़ ज़ीरो हो गया तो दिस इज इक्वल टू 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 द ज़ीरो वन प्लस वन टू है ना तो वाई इक्वल टू वन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है फिर और भी कोई वैल्यू लेके देख सकते हो मान लो कि मैंने टू ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा टू स्क्वायर फोर है ना माइनस फिर टू टू दावर टू माइनस वन तो वो टू रहेगा तो टू माइनस वन वन तो फोर माइनस वन दिस इज इक्वल टू टू माइनस वन तो फोर तो तो टू माइनस वन टू है ना टू माइनस वन वन तो टू टू दावर वन टू और फिर टू प्लस वन थ्री है ना तो यहाँ पर भी थ्री इक्वल टू थ्री ठीक है तो ये सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आंसर जो है वो सही आया होगा ठीक है तो आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ नहीं किया है एंड अगर ये सोल्यूशन में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कन कमेंट्स में लिख सकते हो वहाँ पर मैं रिप्लाई कर दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा ठीक है एंड एज एन असाइनमेंट ये जो तीन रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको लो एंड देन कमेंट्स में आंसर लिखो